नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के विषय में। और प्राचीन इतिहास की जब हम बात करने जा रहे हैं तो हम वहीं से आज शुरू करेंगे जहाँ पे हमने अपने पिछले भाग में छोड़ा था, और हम बात कर रहे थे बुद्ध की। तो हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि किस तरीके से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में आज हम जो करने जा रहे हैं, हम देखेंगे कि बौद्ध दर्शन क्या है और उसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि बुद्ध के ज्ञान और उपदेश में जो चार आर्य सत्य हैं, निर्वाण है, उसको किस तरीके से और बुद्ध के बाद में किस तरीके से प्रसार किया गया बौद्ध धर्म का, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, और शुरू करेंगे हम बौद्ध धर्म एवं मूलभूत सिद्धांत से। क्लास ही समझिएगा आप लोग, वीडियो तो भले है। चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध दर्शन एवं मूलभूत सिद्धांत की। इसकी बौद्ध दर्शन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एवं मूलभूत सिद्धांत, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चलिए, तो देख दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उस समय के अंत में ही जो राजा महाराजा थे उनके महलों में भी उपनिषदों का पाठ होने लगा था। तो बुद्ध भी क्षत्रिय थे, वो भी महल में रहते थे, उन्होंने भी उपनिषदों का पाठ किया और वो उपनिषद से बहुत प्रभावित थे, उपनिषद से बहुत प्रभावित थे। और आप जानते हैं उपनिषद में कई प्रश्न थे, उपनिषद में कई प्रश्न थे, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से उपनिषदों में किस से कर्मकांडों का विरोध किया गया था, कर्मकांडों का किस तरह से विरोध किया गया था, और तार्किकता की बातें की गई थी, समानता की बातें की गई थी, उससे बुद्ध बहुत प्रभावित थे। और इसी ने बुद्ध के अंदर तार्किकता की भावना का जन्म दिया। तार्किकता की भावना का जो जन्म आया बुद्ध के अंदर, वो यहीं से आया। ठीक है, और बुद्ध भी जानना चाहते थे कि संसार के पीछे के क्या कारण हैं, संसार में जो दुख हैं उनके कारण क्या हैं, संसार के पीछे जो दुख है उसका क्या कारण है, संसार में जो दुख है उसके क्या कारण, संसार की रचना कैसे हुई है, संसार के पीछे क्या कारण है, संसार की रचना में, संसार में जो दुख है उसके क्या कारण हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर वो भी जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि ये जगत इतना संगठित रूप में कैसे है, ये जगत इतना संगठित कैसे है, वो ये इसको भी इस प्रश्न का भी उत्तर जानना चाहते थे। और जब उन्होंने ये चार दृश्य देखे जो हमने बात की थी, जो हमने चार दृश्यों की बात की थी, जब उन्होंने उसको देखा तो उसके मन में उनके इन प्रश्नों के उत्तर जानने के और भी तीव्र इच्छा हो गई, और वे एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से इसको जानने के लिए आगे बढ़ने लगे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने घर का त्याग किया, गृह त्याग किया, और उन्होंने क्या किया, जिस तरीके से उन्होंने तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की, उसी के विषय में हम देखते हैं। तो बुद्ध जब वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या की, इतेंद्रियम शक्तियों की बात की। उन्होंने किसकी बात की, इतेंद्रियम शक्तियों की बात की। अगर हम देखें कि इतेंद्रियम शक्तियाँ क्या होती हैं, इतेंद्रियम शक्तियां क्या होती हैं, अगर हम देखें इतेंद्रियम शक्तियां क्या होती हैं, तो अगर हम बात करें ईश्वर, ईश्वर जगत और आत्मा, यही तीन हैं इतेंद्रियम शक्तियां। और इन्हीं के संबंध में बुद्ध के प्रश्न थे, इन्हीं के संबंध में बुद्ध के प्रश्न थे और उनके विचार थे। तो ईश्वर के संबंध में उन्होंने कहा, जो मानव के दुख को कारण बने, जो मानव के दुख का कारण बने, क्यों कर्मकांड काफी थे, मानव के दुख का कारण बने, ऐसे ईश्वर को मैं नहीं मानता। दुख का कारण बने ऐसे ईश्वर को मैं नहीं मानता, ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने साथ में ही कहा, क्या कहा, ये फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट ऊपर में लिखते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे वेद
ऐसे वेद जो कर्मकांड लाएं, जो कर्मकांड लाएं, जो कर्मकांड लाएं और मानव और मानव में विभेद पैदा करें, जो मानव और मानव में विभेद पैदा करें, में विभेद पैदा करें, पैदा करें। ऐसे वेद को भी मैं नहीं मानता जो बलि की बात करे, ऐसे वेद को मैं नहीं मानता जो बलि की बात करे, बलि की बात करे, इस तरह के वेद को मैं नहीं मानता। और चूंकि माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की, इसलिए ऐसे ईश्वर की मैं नहीं मानता, ऐसे ईश्वर को मैं नहीं मानता, नहीं मानता। और इन्होंने एक तरह से क्या किया, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व का खंडन किया, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व का क्या किया, खंडन किया, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व का खंडन किया। और इसी तरह से जब जगत की बात करते हैं हम, इन्होंने क्या कहा जगत के विषय में, इन्होंने कहा जगत संगठित है, जगत संगठित है, और इसमें दिन रात वर्षा अपना का एक व्यवस्थित इसका अस्तित्व है, दिन रात का, दिन रात का, वर्षा का एक अपना व्यवस्थित इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है जो कि व्यवस्थित है, ठीक है। और इसको क्या है, साधारण इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, इसके कारण को इंद्रियों से इसको नहीं समझा जाता कि किस कारण से इतना संगठित है, इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जगत ये शुरू से संगठित है, जब से ये जगत है तब से ये शुरू से संगठित है, शुरू से संगठित है, और यह आदिकाल से ही संगठित है, और यह अपने नियमित नियमों से ही संचालित होता है, यह अपने नियमित नियमों से संचालित होता है, यह अपने नियमित नियमों से संचालित होता है, से संचालित होता है, ठीक है। और इसे कोई ईश्वर नहीं संचालित करता, इसे कोई ईश्वर संचालित नहीं करता है, यह अपने नियमों से ही संचालित होता है, यह इसे कोई ईश्वर संचालित नहीं करता, इसे ईश्वर संचालित नहीं करता, यह स्वयं के नियमों से ही अपना चलता है, यह स्वयं के नियमों से ही चलता है, यह स्वयं के नियमों से ही चलता है। और इसी तरह से इन्होंने आत्मा के विषय में भी बातें की, इन्होंने आत्मा के भी विषय के बातें की, आत्मा के विषय में इन्होंने क्या कहा कि जब लोगों ने इनसे पूछा कि आत्मा कहाँ से आया है, तो बुद्ध ने कहा आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, आत्मा नाम की कुछ कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। और यही कारण है कि बुद्ध के दर्शन को अनात्मवाद भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बुद्ध के दर्शन को अनात्मवाद क्यों कहते हैं, तो यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और बुद्ध ने कहा कि आत्मा जो है वो पांच स्कंधों का संपात है, पांच स्कंधों से बना हुआ एक संपात है जो आत्मा का आभास देता है, जो आत्मा का आभास देता है। और वो कौन से हैं पाँच, रूप है, वेदना है, संस्कार है, रूप वेदना संस्कार है, विज्ञान है और चेतना है, रूप संस्कार विज्ञान वेदना और चेतना है। और ये पांच मिलकर ही इस तरह का व्यवहार करती हैं कि हमको आत्मा का एक प्रतीत होती है कि आत्मा है, ये पांच मिलकर ही इस तरह का व्यवहार करते हैं मिलकर, ठीक है। और चूंकि इस परिवर्तित होते रहते हैं इसीलिए आत्मा भी परिवर्तनशील प्रतीत होता है, ठीक है, और इसीलिए आत्मा भी परिवर्तनशील है, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। और इन्होंने कहा कि जैसे नदी की एक धारा चलती है, जैसे समझाते हुए उन्होंने कहा कि जैसे नदी की एक धारा चलती है, ठीक है,
और ऐसा लगता है कि वस्तुतः एक धारा दूसरी धारा को ऊर्जा देकर गति दे रहा है और स्वयं रुक जाता है। हमको क्या लगता है, देखिए अब जब नदी देखते होंगे तो एक एक ही धारा आपको लगता है ना कि वो पूरा फ्लो करता हुआ चला जा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या रहता है कि एक नदी की जो धारा है वो अपनी ऊर्जा दूसरे को देके अपना वहीं पर रुक जा रही है और वो फिर फर्दर इस तरीके से मूवमेंट होता जा रहा है। तो इन्होंने यही कहा कि हमको प्रतीत तो होता है कि नदी की एक धारा चल रही है, लेकिन वास्तव में एक धारा अपनी ऊर्जा को दूसरी धारा को दे दे रही है और वो दूसरी धारा फिर गति करती है और पहली धारा वहीं हो जाती है। और इसी प्रकार से आत्मा जो है हमको तो साथ आत्मा जो है हमको ऐसा प्रतीत होता है कि शाश्वत है। हाँ शाश्वत है, ठीक है। और बल्कि क्या है, लेकिन ऐसा क्या है कि आत्मा जो है ये पांच स्कंदों से मिलकर बना हुआ है और ये परिवर्तन होता है इन पांचों स्कंदों में, इसलिए आत्मा में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसके बाद में जब बुद्ध से पुनर्जन्म की बात की गई, जब उन्होंने से बुद्ध से आत्मा की बात की गई कि पुनर्जन्म की बात की गई, तो उन्होंने कहा पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, पुनर्जन्म जब पुनर्जन्म की बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता है, आत्मा का नहीं होता है, वरन चरित्र का होता है। किसका होता है? चरित्र का होता है। और आप जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार का जन्म आपको अगले जीवन में मिलेगा। जिस प्रकार का आपका इस जन्म में कर्म है वैसा ही जीवन आपको अगले जन्म में मिलेगा। और जो पुनर्जन्म है वो चरित्र का वाहक है। पुनर्जन्म क्या है? चरित्र का वाहक है, चरित्र का वाहक है। अगर आपको अच्छा जन चरित्र होगा तो पंच स्कंद इसको आगे ले जाता रहेगा। जो पंच स्कंद है जो मिलकर जिनसे मिलकर आत्मा का निर्माण हुआ है वो आपको इसको आगे लेता जा रहेगा। और यही बुद्ध का पुनर्जन्म और अनात्मवाद का सिद्धांत है। तो अगर बुद्ध के सिद्धांत की बात की जाए तो यही है, जो इतेंद्रियम शक्तियों पर आधारित है, ईश्वर पर और जगत और आत्मा की संकल्पना पर आधारित है। अगर हम इसके कोर में बोलें, अगर हम इसके कोर में जाते हैं तो इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, इन्होंने कहा ईश्वर को नहीं माना इन्होंने, ठीक है, ईश्वर को नहीं माना। जगत को इन्होंने माना कि जगत का निर्माण स्वयं के नियमों से हुआ है, ईश्वर ने इसका निर्माण नहीं किया है, जगत अपने नियमों से संचालित होता है। जब आत्मा की बात आती है तो आत्मा के विषय में भी इन्होंने कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये पांच जो हैं रूप वेदना चेतना, रूप वेदना चेतना विज्ञान विज्ञान और संस्कार, ये पांच मिलकर ही आत्मा का आभास कराते हैं। और ये चूंकि परिवर्तित होते रहते इसलिए आत्मा भी परिवर्तनशील है, और इसलिए आत्मा भी परिवर्तनशील है। और जब पुनर्जन्म की बात आई तो उन्होंने कहा कि आत्मा का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है चरित्र का, पुनर्जन्म होता है चरित्र का। और ये जो पांच स्कंद हैं, जो पांच स्कंद हैं, यदि व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो ये पांच स्कंद ही उसको अगली जन्म तक ले जाते हैं। और यही बुद्ध का सिद्धांत है, और यही बुद्ध का पुनर्जन्म और अनात्मवाद का सिद्धांत है। इससे ज़्यादा बुद्ध के सिद्धांत की में कुछ भी नहीं है। और अगर हम बुद्ध के ज्ञान और उपदेश की बात करते हैं तो इन्होंने मुख्यतः क्या बात की थी? इन्होंने चार आर्य सत्य दिए, ठीक है, सांसारिक ज्ञान से आधारित इन्होंने चार आर्य सत्य दिए, ठीक है। और ये चार आर्य सत्य क्या हैं? दुख, फिर इन्होंने दुख का कारण बताया, दुख का कारण बताया, फिर दुख निरोध बताया, दुख निरोध बताया, और उसके बाद किस तरीके से, मतलब दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा अर्थात दुख दूर करने के मार्गों को बताया, ठीक है, दुख दूर करने के मार्गों को बताया, दूर करने के मार्ग बताया। बुद्ध ने क्या कहा दुख में? कि बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों का सागर है, संसार दुखों का सागर है, दुखों का सागर है, ठीक है। और इसमें सुख के पल बहुत ही कम है, सुख के पल बहुत कम है, कम है, और ये क्षणिक रूप में ही आते हैं। अदरवाइज जो संसार है संसार दुखमय ही है, संसार दुखमय है। और उसके बाद में
जब इन्होंने क्या इनसे पूछा गया कि इस दुख का कारण क्या है, तो ये बोले कि ये कारणता का सिद्धांत है। बुक कहते हैं कि हर दुख का एक कारण है, हर दुख का एक कारण है और यह किसी पर आश्रित होकर उत्पन्न होता है। दुख का कारण है जो किसी पर आश्रित होकर उत्पन्न होता है, आश्रित होने से उत्पन्न होता है। और जब उनसे कहा गया कि इस तरीके से कि दुख को दूर किया जा सकता है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, दुख निरोध है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने दुख को दूर करने के मार्ग बताए और उन्होंने कहा कि इन मार्गों के द्वारा दुख को दूर किया जा सकता है। और ये जो इन्होंने मार्ग बताए, ये कहे जा, इन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करें तो लोगों के दुख दूर हो जाएंगे, साथ ही इनसे बात की गई कि निर्वाण क्या होता है, तो इन्होंने कहा है कि सभी कामनाओं का अंत होना ही निर्वाण है। ठीक है, सभी कामनाओं का अंत होना ही निर्वाण है। और बुद्ध ने कहा कि यदि कामनाओं का अंत हो गया तो आप जीवन में निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बुद्ध के ये विचार थे और ये संदेश थे। और बुद्ध के बाद में जब इसके बौद्ध धर्म का विकास करने की बात आई तो चार बौद्ध संगतियों के नाम आपने सुने होंगे, जो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर हुए। राजा उसके अलग थे, उनके स्थान अलग थे, उनके अध्यक्ष अलग थे, और इसमें जो घटनाएं हुई वो कुछ घटनाएं भी हुई। तो उसको हम देख लेते हैं कि जब बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ, जो चार बौद्ध संगतियां आयोजित की गई उनके विषय में हम देख लेते हैं। तो पहला जो हुआ था उस समय अजात शत्रु के समय में हुआ। ठीक, और ये कहाँ पे किया गया था? राजगृह में किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या किया गया? दो पुस्तकों का संकलन किया गया। कौन कौन सी वो पुस्तक थी? सुत पिटक और विनय पिटक पुस्तकों का संकलन किया गया, जिसमें सुत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। और इसमें जातक कथाओं का विकास है, जैसे बुद्ध के जन्म के समय पे कुछ कथाएँ जो हैं वो जातक कथाएँ हैं इसमें। ठीक है, और विनय पिटक की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके जीवन जीने के लिए, जीवन शैली के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है। और जहाँ तक अगर बात करते हैं इन पुस्तकों की भाषा की, तो स्थानीय भाषा पाली भाषा में है। ये किस भाषा में है? पाली भाषा में है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी संगति जो होती है वो कालाशोक के समय में होती है। किसके समय में? कालाशोक के समय में होती है। और जब कालाशोक के समय में संगति होती है, वो वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई? वो वैशाली में हुई थी। और इसमें अगर हम कहें कि अध्यक्षता किसने की, तो शुभक्रामी ने इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बुद्ध के विचारों को लेकर इसमें मतभेद पैदा हो गए। यहाँ पे मतभेद हुए। ठीक है, और एक ऐसे थे जो समय के साथ बदलाव नहीं चाहते थे। मतलब एक चाह रहे थे कि कुछ समय, जिस तरह से समय परिवर्तित हो रहा है, उस तरीके से बदलाव किया जाए, और दूसरे जो थे वो चाहते थे कि कोई बदलाव ना हो। इस तरीके से यहाँ पे बुद्ध के अनुयायियों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे। एक थे स्तरदिशी और दूसरे थे महासारथिक। जो सार्थक वाले थे ये समय के साथ बदलाव चाहते थे, और जो स्तरदिशी थे वो बदलाव नहीं चाहते थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि मतभेद कब उत्पन्न हुआ था, तो मतभेद द्वितीय संगति में उत्पन्न हुआ था। और सुत पिटक और विनय पिटक की रचना किस संगति में की गई थी? तो वो पहले संगति में की गई थी। सुत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं, और विनय पिटक में क्या है? नियम है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड का आयोजन अशोक ने कराया था। आप जानते ही हैं कि अशोक मौर्य धर्म को फिर पालन करने लगा था बाद में, और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ?
पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। और अगर इसके बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो मोगली पतत्सेन ने की थी, मोगली से याद रख लीजिएगा। ने की थी। और यहाँ पे एक और पुस्तक लिखी गई थी जो अभिधम्म पिटक थी। कौन सी पुस्तक? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ये एक और पुस्तक बनी थी, यह भी पाली भाषा में ही थी, ठीक है। और कह सकते हैं कि इस तरीके से त्रिपिटक हो गए, इस तरह से जब ये तीनों पुस्तक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बनती है, मिल जाते हैं, तो इनको आपस में त्रिपिटक कहते हैं। और इसमें अगर हम इस बैठक की बात करते हैं, इस संगति की बात करते हैं, तो इसमें स्थिरवादियों का प्रभाव था। और जो चौथी और अंतिम कला संगति हुई, वो हुई थी कनिष्क के समय में। किसमें हुई थी? कनिष्क के समय में। और कनिष्क के समय में हुई थी कहाँ पे? कश्मीर कुंडलम में, कश्मीर में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अश्व घोष ने, अश्व घोष ने। और इसमें जो महासांघिक थे, जो बदलाव चाहते थे, उनका प्रभाव रहा। महासांघिक जो बदलाव चाहते थे, उनका प्रभाव रहा। और इन्होंने स्वयं को महायान कहा। इन्होंने क्या कहा? स्वयं को महायान कहा। और यहाँ पे हीनयान और महायान दो शाखाओं में बौद्ध धर्म बट गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि बटा कब, तो चौथे में बटा था, लेकिन मतभेद दूसरे में ही उत्पन्न हो गए थे, ठीक है। तो हीनयान और महायान दो संप्रदायों में ये बट गया, और विवाद इनके में दूसरे में ही हो गया था। तो अशोक के समय अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि अशोक ने किसका किसको मानने वाला था, हीनयान को मानने वाला था, महायान को मानने वाला था, तो आप क्या कहेंगे? जवाब होगा कि अशोक सिर्फ बौद्ध धर्म को मानने वाला था, क्योंकि उस समय विभाजन हुआ ही नहीं था, विभाजन कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से हम जितनी बातें कर सकते थे बौद्ध धर्म में, उतनी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कर ली हैं। और हीनयान और महायान की अगर हम बात करते हैं, हीनयान और महायान के विषय में अगर हम बात करते हैं, तो हीनयान की क्या थी? ये नो चेंजर थे, इनको नो चेंजर आप कह सकते हैं, बदलाव नहीं चाहते थे, ठीक है। व्यक्तिगत धर्म की इनकी अवधारणा थी, व्यक्तिगत धर्म की, और इनका मानना था हर व्यक्ति का अपना धर्म कर्म होता है, और ये सिर्फ बुद्ध के बताए रास्तों पर ही चलकर निर्वाण प्राप्त करना चाहते थे, सिर्फ बुद्ध के रास्तों में ही चलना चाहते थे, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। और जब इनकी बात करते हैं हम महायान वालों की, तो ये चेंजर थे, ये चेंजर थे महासाधिक, और ये क्या करते थे? इनका मानना था कि एक साथ में चला जा सकता है, ये व्यक्तिगत जहाँ बात होती है, यहाँ पे साथ में चलने की भी बात होती थी, यहाँ पे साथ में चलने की बात होती थी। और साथ ही इन्होंने क्या किया कि बोधिसत्व को बुद्ध का अवतार माना गया, बुद्ध को अवतार माना गया, और बुद्ध की मूर्ति का मूर्तियाँ भी बनने लगी, ठीक है। बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी, मूर्तियों का विकास हुआ, और इस तरीके से इनके में ये एक तरह से क्या बोलते हैं, ये बदलाव के वाहक थे, ये चाहते थे कि बदलाव होता रहे, ठीक है। तो ये सारी हमारी चीज़ें हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके बाद अब शायद ही कोई चीज़ बची हो जो इसमें हो, बाकी अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपने थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मौर्य धर्म की तरफ, मौर्य काल की ओर जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।